भूपेन जी कुछ बताइए अपने बारे में। सर, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। सर, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के गांव का रहने वाला हूँ। सर, शिक्षा में मैंने सर 2019 में बीएससी एजी की डिग्री बरेली से कंप्लीट की है। उसके बाद में मैंने सर एसी एबीसी स्कीम में एक छोटा सा डेयरी फार्म शुरू किया था। और सर, नवंबर 2021 में मैंने मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत एनआरईटी के प्रोजेक्ट में एज ए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ऑर्गेनिक फार्मिंग के पद पे ज्वाइन किया था, जो कि प्रोजेक्ट सर 30 जून 2024 को समाप्त हो गया है। हॉबीज की बात मैं करूँ तो सर, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं सर पुराने गाने सुनना थोड़ा पसंद करता हूँ। फैमिली बैकग्राउंड में फादर मेरे सर एग्रीकल्चर का काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और पशुपालन करते हैं। सुखविंदर जी, आपने अभी कौन से स्कीम का नाम लिया था? सर एसी एबीसी स्कीम ये क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर, ये एसी एबीसी स्कीम एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम के नाम से इसको जानते हैं सर। इसको ओके। सर मैनेज के द्वारा मतलब ट्रेनिंग का जो पार्ट है मतलब दो वो मैनेज देखता है, और जो सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है वो सर नाबार्ड के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है सर। कितनी सब्सिडी इसमें मिलती है सर इसमें? इसमें सर 45 दिन की ट्रेनिंग होती है। जो भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं वो ट्रेनिंग लेके अपना कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं सर। जिसमें 20 लाख रुपए सब्सिडी का तक क्या का है सर इसमें? सर इसमें 20 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट वो स्थापित कर सकते हैं, जिसमें एस सी एस टी कैंडिडेट जो है वो 44% की सकते हैं, और वुमेन 44% की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, और ओबीसी और जनरल कैटेगरी के जो एंटरप्रेन्योर है वो 36% की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पे सर। इसको पीएसएल में कैटेगराइज करते हैं क्या इस स्कीम को? जी सर, इसको पीएसएल में कैटेगराइज करते हैं एग्रीकल्चर में सर। एग्रीकल्चर में या फिर पीएसएल में? थोड़ा सा क्लियर बताइए किस कैटेगरी में आता है ये। सर ये और एग्रीकल्चर कैटेगरी में एग्रीकल्चर आता है सर। जी के अंदर इसमें रहेंगे। सर, अभी आप आरआरबीएस के लिए आ रहे हैं तो पीएसएल के बारे में थोड़ा बताइए, आरआरबीएस का क्या कैटेगराइजेशन होता है? सर पीएसएल ये सर आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड फ्रेमवर्क है। इसमें क्या है सर, कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कुछ प्रायोरिटी सेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया था। उसमें सर प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ टारगेट्स इन बैंक को दिए जाते हैं, जिनको हम सर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नाम से जानते हैं सर। जिसमें सर एग्रीकल्चर सेक्टर है तो उसको हम जो टोटल बैंक का एएनबीसी होता है उसको 18 मतलब टोटल जो बैंक का कॉमर्शियल बैंक है उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर एनबीसी के बारे लेंडिंग में को दिया थोड़ा जाता है बताएंगे सर? एनबीसी जो वर्ड यूज हुआ है अभी, इसका थोड़ा सा बताइए मुझे। सर। एएनबीसी जो बैंक मतलब सर टोटल प्रोडक्ट जो लोन प्रोवाइड करेंगे सेक्टर्स को, जिसमें सर नॉन एसएलआर फुल फॉर्म गवर्नमेंट क्या सर सिक्योरिटीज, एनबीसी का? एएनबीसी का एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट सर। ओके, चलो बढ़िया है। और सर थोड़ा सा इसमें चेंज करूंगा मैं सर, एएनबीसी या सी क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जो भी हाईर होगा उसका सर 40% कॉमर्शियल बैंक जो नेशनलाइज बैंक है, और आरआरबी में सर 75% पीएसएल में हम देंगे, जिसमें सर एग्रीकल्चर को 18% देंगे, एमएसएमई को साढ़े चलो, सात परसेंट देंगे। सर पीएसएल पीएसएल का एक सर्टिफिकेट भी होता है, कुछ पता है उसके बारे में? नहीं सर, इसके बारे में पीएसएलसी जो तो बोलते नहीं हैं, पता सर। पीएसएलसी नहीं सर, वर्ड सुनाओ अपने। इसके बारे में सर मुझे जी डीआईसीजीसी के बारे में कुछ सुना है आपने? सर, डीआईसीजी सर ये आरबीआई की सब्सिडीज है, जो बैंकों में हम डिपॉजिट जमा करते हैं सर, उस पे क्रेडिट जो इंश्योरेंस होता है उसको प्रोवाइड करता है, 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर रहता है सर। एनबीएफसी की डिपॉजिट भी इसमें कवर रहती है क्या? नहीं सर, एनबीएफसी का नहीं रहता। एनबीएफसी का नहीं रहने का रीजन क्या है सर? सर इसके बारे में सर मुझे क्लियरली अभी पता नहीं है। सर केसीसी, आप एग्रीकल्चर में हैं तो केसीसी के बारे में तो पता होगा कि घर में भी केसीसी वगैरह के लोन भी लिए होंगे, क्योंकि आपने बताया था फादर हैं, फादर। जी सर, जी सर सर केसीसी और स्कीम सर
ये नहीं सर, अगस्त 1998 में शुरू की गई थी सर। इसमें सर 3 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट लोन प्राप्त कर सकते हैं विद इंटरेस्ट सबवेंशन पर फार्मर्स। 3 लाख से ऊपर भी प्राप्त कर सकते हैं सर? उसमें सर इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिल सकता है, लोन तीन सर लाख तक फार्मर्स ही ले मिलेगा सकते। सर? जी सर, कितना सबवेंशन मिल रहा? सबवेंशन सर इसमें सर 7% पे लोन देते हैं बैंक, और अगर वो टाइमली ड्यू डेट से पहले रीपेमेंट कर देते हैं तो उसमें उनको फिर 3% का एक्स्ट्रा सबवेंशन मिल जाता है। मान लीजिए आज केसीसी का अकाउंट ओपन हुआ है, इसकी ड्यू डेट क्या होगी? सर 1 साल के अंदर उसको करना है। 1 साल या 365 दिन ऐसा कुछ? हाँ सर, हाँ 365 दिन के अंदर उसको करना है। अगर वो नहीं होता है तो फिर क्या होगा उसमें? फिर सर उसको जो 3% का एक्स्ट्रा सबवेंशन है वो नहीं मिलेगा, और जो बैंक का 7% का वो चार्ज करना पड़ेगा बैंक। ओके। और केसीसी को एनपीए की उसमें कैटेगराइजेशन के बारे में थोड़ा बताइए कि कब केसीसी एनपीए में कैटेगराइज सर होता है। अगर कोई केसीसी लोन है जो 2 लगातार फसली वर्ष में वो रीपेमेंट नहीं होता है तो उसको सर एनपीए घोषित कर देता है बैंक। 2 लगातार फसलें, किस क्या जी क्या सर, क्रॉप होती है आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ पे सर धान होता है, गेहूं होता है, सरसों होता है, और मेनली तो यही होता है सर, 3 क्रॉप्स ज्यादा होती हैं। कभी कभी उड़द भी कर लेते हैं कुछ लोग खरीफ में, और गन्ना करते हैं मोस्टली सर, गन्ना भी करते हैं। एनपी के बारे में क्या जानते हैं? एनपीए सर अगर कोई भी लोन का ईएमआई 90 दिन तक नहीं आता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट या प्रिंसिपल्स दोनों अमाउंट हो सकते हैं, अगर वो 90 दिन तक नहीं आता है तो बैंक उसको एनपीए घोषित कर देता है सर। इसमें अगर 90 दिन से अगर 1 साल तक वो एनपीए रहता है तो उसको सब स्टेट्स में कैटेगराइज कर देते हैं, और अगर वो 1 साल से ऊपर जाता है और 2 साल तक रहता है तो उसको डाउटफुल में कैटेगराइज कर देते हैं, और अगर वो 3 साल से ऊपर जाता है तो अगर बैंक का जो ऑडिटर उसको लॉस में सर दिखा के राइट ऑफ कर सकते हैं। इसके प्रोविजन के बारे में कुछ पता है? एनपीए की प्रोविजन किस टाइप से होती है, कितना परसेंटेज इसके लिए लिया जाना चाहिए? सर मतलब सर अगर एनपीए लोन हो रहा है तो उसकी प्रोविजनिंग सर 100% प्रोविजनिंग उसमें करते हैं अगर एनपीए लोन हो गया है। एनपीए के अंदर 100% कंफर्म सर? थोड़ा सा डाउट है सर। चलो कोई बात। हितेश सर, आप मेरा कंप्लीट है, आप देखते हैं। तो रूबेन जी, ये गवर्नमेंट की कोई 3 स्कीम बताइए जो बैंक से जुड़ी हुई है और एग्रीकल्चर सेक्टर के सर लिए होते हैं। इसमें एक तो एसीएबीसी स्कीम है, एक एनएलएम स्कीम है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, ठीक है, और एक केसीसी स्कीम है सर किसान क्रेडिट कार्ड। क्या होता है सर केसीसी? केसीसी क्या सर होता है? केसीसी क्या होता है? सर फार्मर्स को क्रॉप्स लोन प्रोवाइड करते हैं इसमें सर, उनकी बुवाई के लिए, उसके पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस के लिए, फिर क्रॉप प्रोडक्शंस के लिए इसमें क्रेडिट फैसिलिटी फार्मर्स को उपलब्ध कराई जाती है इस स्कीम में सर, और विद इंटरेस्ट सबवेंशन सर। एंट्रेंस लेकिन जो सबमिशन क्वेश्चन था मेरा, एचएफकेसीसी के बारे में सुना है आपने, कुछ बता सकते हैं? एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में सर इसमें सर 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री में सर, इस पे इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा सर पशुपालन। ओके। कितना मिल जाएगा इसमें? इसमें सर 2 लाख रुपए पे मतलब जो 3% का सबवेंशन रहता है वो 7% पे लोन मिलेगा सर, अगर टाइमली रिपेमेंट करते हैं तो 3% का और सबवेंशन मिल जाएगा 2 लाख रुपए तक के अमाउंट ठीक पे। है नितिन जी, एक क्वेश्चन मेरा था इस जी पर। सर, जैसे रुपिंदर जी, अगर केसीसी किसी कस्टमर ने ले रखी है 3 लाख की,
उसको एचएफ भी दे रखा है आपने 2 लाख का, तो उसको कितना इंटरेस्ट हमेशा मिलेगा? 7% जैसे केसीसी पे भी और इस पे भी है, एचएफ पे भी, तो दोनों पे अलग अलग मिलेगा या फिर एक ही उस पे मिल जाएगा? दोनों पे 3 लाख का मिलेगा सर, दोनों को दोनों पे मिला 3 लाख के का, 3 लाख एक ही कस्टमर को, एक ही एक कस्टमर। मेरा कस्टमर यही को। था क्वेश्चन। और हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेते हैं केसीसी में, केसीसी में लेना सर चाहिए ना? आधार, मैं सर क्रॉप केसीसी में सर आधार लेंगे, उसका पैन कार्ड लेंगे, और उसके जमीन में खसरा और एक खतौनी जिसमें क्रॉप डिटेल्स रहती है उसकी, फोटो वगैरह लेंगे सर। ये मेनली डॉक्यूमेंट तो सर यही है। जमीन को रहन कराने से रिलेटेड क्या समझते हैं डॉक्यूमेंट जो रहते हैं केसीसी का, जो रहता है कि रहन करानी चाहिए पर्टिकुलर, कितने अमाउंट तक के लिए रहन की आवश्यकता नहीं है और रहन कराने सर का क्या मीनिंग 1,60,000 रुपये, होता सर 1,60,000 रुपये तक का अमाउंट है? पे इसको बंधक करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर आवश्यकता है, अगर नहीं कराते तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? सर बैंक सर आरबीआई ने सर इसके लिए गाइडलाइन बनाई है, उनका सर वॉयलेशन हो जाएगा तो पेनल्टी लग सकती है सर बैंक पे। पेनल्टी भी लग सकती है, खाता खराब होगा तो आप उसको मॉर्गेज नहीं है तो फिर कैसे ठीक करोगे? ये आंसर है इसका, है ना? ठीक है, मतलब उसको क्या, उसके ऊपर क्या लाइबिलिटीज है वो दिख जाएगी उसको। ठीक है सर, सचिन सर। चलिए आप थोड़ा आपके पर्सनल डिटेल पर चलते हैं। आप मुरादाबाद के रहने वाले हैं, कोई पांच जी सर, पांच फेमस चीजें बताइए वहां की। सर मुरादाबाद में सर फेमस में सर सबसे पहला आरआरबी वहां पे स्थापित हुआ था तो वो फेमस है सर। दूसरा सर पीतल का कौन कारोबार सा यहाँ पे बहुत आरआरबी अच्छा था, होता है, तो कौन वो सा आरआरबी था, प्रथमा बैंक था सर। क्या कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये सर 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था सर। 2 अक्टूबर 1975। तो एक क्वेश्चन है कि ये 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था, लेकिन आरआरबी जो एक्ट है वो जी सर, 1976 है, तो ऐसा क्यों है? सर ये एक अध्यादेश आया था उसके तहत इसको स्थापित किया गया, अध्यादेश पास हुआ था उसके तहत किया, उसके गुड बाद में गुड। एक्ट आया। तो प्रथमा ग्रामीण बैंक के चेयरमैन कौन है? जी सर श्री संजीव भारद्वाज जी चेयरमैन है। ओके, चलिए हितेश सर। हाय हितेश सर रुपेंद्र, के बारे में सर, हाय सर, गुड इवनिंग सर। रुपेंद्र गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ सर। अभी एक क्वेश्चन आया था मुरादाबाद में, एक अभी इसके वर्तमान में मेयर कौन है मुरादाबाद के, क्या मुझे बता सकते हैं? मेयर सर श्री सुभाष सर, पूरा नाम मुझे पता नहीं सर, सुभाष के नाम से सर मुझे शायद सुना है मैंने सर, एग्जैक्ट मुझे सर पता नहीं है, एक दो बार मैंने सर न्यूज़ में पढ़ा है वो, मुझे सर थोड़ा याद नहीं रहा है। अच्छा, तो आप बेसिकली क्या यूपी से हैं, राइट? जी सर यूपी से। तो यूपी के बारे में थोड़ा डिस्कस करें, है ना? जी सर, यूपी का अगर आप ये बता सकते हैं कि यूपी का जो यूपी का दिवस, एक जनरली मैंने सुना है जीके में, यूपी दिवस कब मनाया जाता है? सर यूपी दिवस सर 26 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, ओके। और अभी आपने एक बताया था कि अभी जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपके डिस्कशन चल रहे थे, नाबार्ड के बारे में थोड़ी नॉलेज हो? जी सर, नाबार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था? नाबार्ड ये सर 12 जुलाई 1982 को सर स्थापित हुआ था शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर। एक्चुअली है क्या ये नाबार्ड? जनरली अपन सुनते हैं नाबार्ड नाबार्ड, ये एक्चुअली है क्या ये नाबार्ड? क्या मुझे थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे नाबार्ड के बारे में? ये सर ग्रामीण विकास और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए एक बैंक, एक एजेंसी मान लो सर स्थापित किया गया था, जो कि रूरल डेवलपमेंट की जो पॉलिसी है उसमें सर असिस्ट करता है गवर्नमेंट्स को, जो एग्रीकल्चर में फाइनेंस
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको सर प्रमोट करता है। आरआरटी अच्छा का सर सुपरविजन नाबार्ड करता है सर। तो ओके, मतलब एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए सर ये काम करता है बेसिकली। और जो भी स्कीम्स नाबार्ड को होती अपन है एक्चुअल में फुल फॉर्म क्या रहेगा नाबार्ड, अगर अपन मैं किसी को बताऊं कि नाबार्ड है क्या, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म बता ये पाएंगे आप मुझे? सर, जी सर, ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ग्रेट। इसका अभी नेशनल वर्तमान में बैंक हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस सर मुंबई में सर। ओके। इसके डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं नाबार्ड के, कितने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं अगर अपन देखे जाए तो? सर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के बारे में सर अभी मुझे पता है, ओके एग्जैक्ट पता ओके। नहीं है सर। इसकी मतलब बेसिकली देखा जाए तो नाबार्ड की ओनरशिप किसके पास है? सर ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ओके ओके ओके। अच्छा आप मतलब फैमिली में कितने लोग हैं टोटल? फैमिली में सर मेरे पापा मम्मी मेरी वाइफ मैं और मेरा एक लड़का एक मेरी सिस्टर। अच्छा मैरिड है। जी सर। ओके ओके ओके। अच्छा आप, आपके अभी जैसे बता रहे थे आप क्रॉप्स के बारे में, तो जनरली आप कौन कौन सी क्रॉप को फाइनेंस करते हैं? सर हमारे यहाँ पे गेहूं गन्ना धान और सरसों ये मेनली क्रॉप्स उगाई जाती है। ओके ओके ओके। रबी के बारे में, रबी क्रॉप्स के बारे में पता है? जी सर रबी क्रॉप्स रबी, सर जो अब सर कोई दो रबी क्रॉप बता दो बस। गेहूं और सरसों रबी क्रॉप्स हैं। अच्छा, ठीक। है ठीक है, डन। नितिन सर ओवर टू जी यू। ओके। रूबेन जी काफी अच्छा इंटरव्यू रहा। तो ये आप पहली बार दे रहे हैं क्या एग्जाम, या पहले भी दिया है आपने? पहली नहीं सर पहली बार दे रहा हूँ सर। बार दे रहे हो। अच्छा रिटर्न भी आपने फर्स्ट टाइम ही दिया है। सर पिछली बार दिया था तो मेरा हो नहीं पाया था। ओके, तो सेक्शनल रुका होगा लास्ट ईयर आपका, या ओवरऑल रुका था? सर मेरा थोड़ा एक्सपेंस कम था तो मैंने सर ध्यान नहीं दिया था पढ़ाई पे। एक महीने मेरा एक्सपेंस कम था तो फिर मैंने ओके डेट मैनिपुलेशन करके सब बुक कर दिया था, लेकिन मैंने थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया था तो इस वजह से मेरा फाइनेंस का कट ऑफ नहीं निकला। ठीक सर, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दे देता हूँ। जो पैनल रहेगा ना उसमें 6 से 7 मेंबर रहेंगे, और ये ज़्यादातर किसी ना किसी आरआरबी के चेयरमैन रहते हैं, एक नाबार्ड की टीम से आता है, और तो इस तरह एक पैनल बनेगा और ज़्यादातर एजेड लोग बैठेंगे। तो एक ड्रेस जी आपको सर। पता ही है, प्रॉपर शर्ट टाई, अगर ब्लेजर हो जाए तो और अच्छा रहेगा। और जी सर। आपके इंटरव्यू का बता देता हूँ, मतलब आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज है, आपका बैंकिंग बैकग्राउंड भी नहीं है, उसके अलावा भी आपको डिटेल में नॉलेज है चीज़ों की, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी मेरी तरफ से काफ़ी अच्छी नॉलेज है, और आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है। आशुतोष सर सर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं रुपिंदर जी? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर आपका जो पैनल है सर वो मुझे कितने मार्क्स देना चाहेगा आउट ऑफ 100 सर, तो ये मैं जानना चाह रहा आप हूँ। 80 मार्क्स दे दूंगा मेरी साइड से, और 80 मार्क्स अच्छे हैं। रुपिंदर जी मेरे तो अकॉर्डिंग आपका मतलब जैसे जी सर आ जाओ सर। रुपिंदर जी आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, और फेस पे जैसे ये स्माइल रख रखी है वैसे रखिएगा वहां पर भी, क्योंकि ये ज्यादा जी मैटर सर। करता है कि आपका कॉन्फिडेंस किस टाइप से दिख रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती है जी कि सर। जिसमें आपको अगर आंसर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा रुक जाइए, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो सोच लीजिए कि आंसर देना है या नहीं देना। उस टाइम पर आप थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अपने को आंसर में तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि तुक्के जी से ऐसा सर। रहता है कि वो यही सोचेंगे कि नॉलेज नहीं है, मतलब है आपको नॉलेज, थोड़ा सा मिस कर रहे हो। जी सर। उसमें अपना आंसर इस टाइप से बना सकते हैं। अभी जैसे हमने आपसे पूछा था केसीसी और एचएफ केसीसी का, तो वो 3 लाख तक का ही है जो आपको इंटरेस्ट सबमिशन मिलेगा उसके लिए। अगर जैसे कि किसी ने एनिमल हस्बेंड्री के लिए 2 लाख केसीसी ले रखा है सर 2 लाख रुपए का एनिमल हस्बेंड्री पर, तो वो सर क्या क्रॉप लोन पे 3 लाख रुपए का जो अमाउंट है उस पे सबवेंशन मिल सकता है क्या सर उसको?
जी जी सर, एनालिसिस दीजिए, सर ये बताइए। पूछ रहे हैं, आवाज नहीं कट रुपेंद्र रही जी, है। आपको वाकई में शानदार नॉलेज है, आपको जिस फील्ड में है। और बस मैं यही ऐड ऑन करूंगा कि आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो वेल ग्रूम्ड होके जाएं, और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आपको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि यूपी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपने कुछ नवंबर बताया था। हेलो, जी सर वो थोड़ा डाउटफुल लग रहा था सर। हाँ, जबकि उसका राइट आंसर था जनवरी में, जनवरी मनाया जाता है जहां तक मुझे याद है, 24 जनवरी को मनाया जाता है ना। 24 जनवरी को और मनाया जाता है एक, सर, वो तो मुझे हाँ, और एक बात और बोलूंगा, जिस भी आरआरबी में आपका इंटरव्यू जाएगा, आप उस आरआरबी के बारे में आप थोरो नॉलेज रखिएगा। एंड सेकेंडली, जो उस आरआरबी को स्पॉन्सर कर रही है, उस स्पॉन्सर बैंक के बारे में भी आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, उसके बैलेंस शीट, लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था। तो इससे क्या है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना। जैसे सर ने बताया, आपको अगर कोई आंसर नहीं आ रहा है तो ब्लफ नहीं करना है आपने, क्लियर कट। अपन को ब्लफ नहीं करना है कि अपन कुछ भी जवाब दे रहे हैं, अगर नहीं आ रहा है स्ट्रेट अवे बोलिए सर स्किप, सॉरी सर नहीं आता है। जी सर, ओके, बाकी ओवरऑल यू आर जी गुड, सर। यू आर डूइंग वेरी गुड, ऑल द रुपेंद्र बेस्ट। जी आपका उसका आंसर था जितने की उनकी कैसेसी बनी हुई है उसी पर ही होगा, उनको ऐसा नहीं होगा कि 3 लाख तक की लिमिट है तो 7% 3 लाख का नहीं मिलता है, जितनी उनकी कैसेसी या एचएफ कैसेसी बनी हुई है उस अमाउंट पर ही मिलता है उनको। ओके सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि किसी ने एचएफ के लिए 2 लाख ले रखा है और उसने क्रॉप लोन के लिए वो 3 लाख ले रखा है, ठीक है सर, 5 लाख पे उसको ठीक इंटरेस्ट है, सबवेंशन मिल जाएगा, ये मेरा इंटरेस्ट क्वेश्चन है सर, सबवेंशन 3 लाख तक की लिमिट पे मिलेगा दोनों टोटल में से, दोनों का टोटल करके तीन इंटरेस्ट लाख सबवेंशन सर ओनली 3 लाख का, बस ओनली 3 लाख तक में जी मिलता सर। है, ये दोनों टोटल हो जाता है। अगर 1.5 लाख का केसीसी होता और 1.5 लाख का ही एचएफ होता तो 3 लाख तक मिल जाता है उसमें। उसकी भी कैलकुलेशन अलग होती है, वो पूरे जी तीन सर लाख पर आपको नहीं मिलता है, उसका 13/11, वो थोड़ा आप जब बैंकिंग में आओगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। लेकिन इसका तो आंसर यही सर मैंने रखिएगा कि ये सोच दोनों को, के सर वही क्वेश्चन आया था बताइए। आपका सर, मेरे अच्छा समझ में जी, ये आया था कि आप दोनों पे इंटरेस्ट सबवेंशन कितना कितने तक का लोन पे मिलेगा, मेरे समझ में सर शायद ये अमाउंट आया था, टोटल इस वजह थ्री से लेख तक मैंने का ही है सर, अमाउंट टोटल थ्री लेख तक का ही है। बताया। ओके सर, ओके रूबेन जी जी, सर ऑल द थैंक बेस्ट फॉर योर रिजल्ट एंड इंटरव्यू। यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू।